नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ ये वीडियो जो बच्चे स्टेट पीसीएस या अन्य यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2+2 डायलॉग। इट इज अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग ऑफ द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स एलाइज ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इशूज। ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया हैज़ 2+2 डायलॉग्स विद यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया ओनली। नहीं, इसके साथ साथ यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान और रशिया भी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सो 2+2 डायलॉग में फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स बात करते हैं ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज कंसर्न्स पे, ताकि इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इन अ रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया क्वाड मेंबर्स हैं, क्वाड पार्टनर्स हैं। रशिया भी एक 2+2 डायलॉग मेंबर है और इसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है यूएस। इंडिया का ओल्डेस्ट 2+2 पार्टनर जो है वो है यूएस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया फॉर वाटर शेयरिंग ऑफ खुशियारा रिवर? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बांग्लादेश। खुशियारा रिवर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? तो बराक रिवर की, और इट फॉर्म्स ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे होती है। खुशियारा रिवर ओरिजिनेट इन द अपलैंड्स ऑफ असम एंड इज जॉइंड बाय वेरियस ट्रिब्यूटरीज इन नागालैंड एंड मणिपुर। सो खुशियारा रिवर पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू चाबहार पोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द पोर्ट इज सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। इट इज द ओनली डीप सी पोर्ट इन अफगानिस्तान विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस। अफगानिस्तान तो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो डायरेक्ट ओशन एक्सेस तो नहीं मिल सकता। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चाबहार पोर्ट जो है वो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान में सिचुएटेड है और ये जस्ट 72 किलोमीटर्स वेस्ट में है पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट से। चाबहार पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान टू बूस्ट ट्रेड टाइज। इट होल्ड्स इमेंस स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, क्योंकि ये जस्ट 72 किलोमीटर अवे है पाकिस्तान के बॉर्डर पोर्ट से। और इंडिया का इस प्रोजेक्ट से मेन ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हम लोग, हमारा जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक बहुत ईजी हो सके। सो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट वी मूव टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द टर्म पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन इज ऑफन हर्ड इन द न्यूज। इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए, ताइवान, मलेशिया, मंगोलिया, जापान। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर ताइवान। जिस तरह आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, ताइवान को भी वैसा डर है कि चाइना इन्वेड कर सकता है। तो पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जिस तरह पॉर्क्यूपाइन अपने आप को बचाता है, उसी तरह से ताइवान भी अपने आप को बचाने के लिए ये पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन यूज कर रहा है टेक्निक। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट डिफेंसिव लेयर। जो आउटर लेयर है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग में है, सेकंड जो है वो ग्यूरेला वॉरफेयर एट द सी, क्योंकि एक आइलैंड स्टेट है ना, आइलैंड कंट्री है, और एरियल सपोर्ट मिलेगा यूएस एयरफोर्स से। और जो इनर मोस्ट लेयर है रिलाइज ऑन द ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ द आइलैंड। ये वैरी करेगा हर आइलैंड टू आइलैंड। इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागोर्नो काराबाख रीजन इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन अर्मेनिया, अजरबैजान,
Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan and Armenia, Kazakhstan and Armenia. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो एक माउंटेनियस एंड हेविली फॉरेस्टेड रीजन है दैट इज अंडर इंटरनेशनल लॉ इज रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान के अंदर है। इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो यहाँ पर 6 वीक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुआ था जिससे वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हुआ था और उसके कारण से क्या हुआ, 150 सिविलियंस और उससे भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी इन आर्मेनिया एंड अजरबैजान दोनों साइड से। एथनिक आर्मेनियंस कंस्टिट्यूट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड दिस एथनिक आर्मेनियंस हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नागोर्नो काराबाख विद सपोर्ट फ्रॉम आर्मेनिया। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आर्मेनियन अजरबैजान की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज आर नॉट ए पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, नॉट है, क्या क्या है, जॉर्डन, यूएई, लेबनन, कुवैत, अफगानिस्तान। तो यूएई एंड कुवैत तो पार्ट है जीसीसी का, हमारे क्वेश्चन में पूछा है नॉट पार्ट है, तो उसका आंसर होगा जॉर्डन, लेबनन एंड अफगानिस्तान, जो कि है 135 ऑप्शन नंबर डी। जीसीसी क्या है, जीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट कंक्लूडेड ऑन 25 मई 1981 इन रियाद सऊदी अरेबिया में। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कौन कौन से कंट्रीज है, यूएई, बहरेन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर एंड कुवैत। द जीसीसी सब्सटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज एनर्जी नीड, क्योंकि इंडिया एक एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है। और द काउंसिल टूगेदर अकाउंट फॉर 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स मुस्लिम पॉपुलेशन एंड आर अमॉन्ग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और जीसीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबिक। सो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व इन सेंडिंग सीड्स इनटू स्पेस टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन एंड हार्श स्पेस कंडीशंस ऑन ब्रीडिंग न्यू क्रॉप वैरायटीज टू विदस्टैंड द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प ग्लोबल हंगर। ऑप्शंस क्या है, नासा, दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि, और ये जो दो प्लांट स्पीसीज कौन कौन से हैं वो है सॉर्गम और एक है अरबिडोप्सिस। तो इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा वेयर दे आर बीइंग एक्सपोज टू माइक्रोग्रेविटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, कॉस्मिक रेडिएशन। फिर अपॉन देयर रिटर्न दीज सीड्स विल बी जर्मिनेटेड, ग्रोन एंड स्क्रीन फॉर डिजायरेबल ट्रेट्स। ये इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण प्लांट्स ग्रो करना मुश्किल हो रहा है, बहुत अनफेवरेबल कंडीशन बन रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि अंडर माइक्रोग्रेविटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, कॉस्मिक रेडिएशन से सीड्स पे, प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हम लोग प्लांट्स की जो डिजायरेबल ट्रेट है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स और हमें करेक्टली मैच बताना है, वेस्ट सेटी डैम चाइना, ट्रैंकवॉक पगोड़ा वियतनाम, करतारपुर पाकिस्तान, वट ट्रोंगखुन कंबोडिया। करतारपुर ये तो सही है, साथ ही साथ ट्रोंगखुन पगोड़ा ये भी वियतनाम है, बट वेस्ट सेटी डैम जो है वो नेपाल में है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नेपाल में, ट्रंकवॉक पगोड़ा जो है वो वियतनाम है और एक मोस्ट एंशिएंट पगोड़ा इन हैनोई है। करतारपुर कॉरिडोर तो आपको पता होगा पाकिस्तान में है, इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी वेयर श्री गुरु नानक देव जी स्पेंट लास्ट 18 इयर्स ऑफ हिज लाइफ। व्हाट ट्रोंगखुन थाईलैंड में है, कंबोडिया में नहीं है, इट्स अ बुद्धिस्ट टेम्पल जो थाईलैंड में।
जो हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इजिप्ट, नाइजर, चैड, इथोपिया, सोमालिया। तो विच ऑफ द अबव शेयर बॉर्डर्स विद सूडान? तो आपका इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, और जो भी करेक्ट आंसर देगा मैं उसको हर्ट दे दूंगा कि आपको समझ आ जाए कि ये सही आंसर है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे और भी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री पे आने वाले हैं जल्दी। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।